आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है फ्लैट वर्म्स आर। अगर हम बात करें फ्लैट वर्म्स की तो ये आते हैं इन द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स। और ये जो नाम है प्लैटीहेल्मिन्स, ये इंडिकेट करता है कि ये होते हैं फ्लैट वर्म्स। अगर बात करें इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस की तो ये होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, मतलब इनका जो वेंट्रल सरफेस होता है वो होगा फ्लैट। और जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास प्रेजेंट होती हैं 3 जर्मलेस, इसलिए हम इनको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्ट्स। अगर बात करें तीनों जर्मलेस की तो जो आउटर जर्मलेयर होती है दैट इज एक्टोडर्म, फिर बीच में प्रेजेंट होगी मेसोडर्म जो कि लाइन करती है बॉडी कैविटी को, और जो थर्ड लेयर होती है दैट इज एंडोडर्म। तो ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रेजेंट होती है बायलेटरल सिमेट्री। और अगर बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स जो कि हेल्प करेंगे इन देयर एक्सक्रीशन, और प्लैटीहेल्मिन्स होंगे बाइसेक्सुअल। तो अगर हम यहाँ पर देखें इनके कैरेक्टर्स तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा ये होता है डिप्लोब्लास्टिक, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ जर्मलेस हमने देखा कि होती हैं 3। अगर बात करें ऑप्शन बी की तो बोला गया है ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमने डिस्कस किया ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास 3 जर्मलेस होती हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है, तो ऑप्शन बी को हम अपना आंसर मान सकते हैं। अगर बात करें ऑप्शन सी की तो बोला गया है मोनोब्लास्टिक, मतलब एक जर्मलेयर, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। और अगर बात करें लास्ट ऑप्शन की तो बोला गया नन ऑफ दीज, तो ये भी हो जाएगा गलत क्योंकि यहाँ पर इस केस में जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।